नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को अटैक पड़ा है, अब इनकी हालत कैसी है? देखिए, सुबह से थोड़ी सी उनको परेशानी हुई है सांस लेने में। उनके पीएसओ और उनके साथ रहने वाले लोगों ने सूचना दी, तो हम लोगों ने तत्काल डॉक्टर का इंतजाम किया और डॉक्टर ने जाके देखा कि अटैक से मामला लग रही है, तो हम लोग हाल के हाल वहां से लेके एम्बुलेंस से शिफ्ट किए रामराजा हॉस्पिटल में जी। और यहाँ जाकर फिर एक बार अटैक आया, तो हालात थोड़ी सी सीरियस हुई, लेकिन इस समय नॉर्मल है। हमने माननीय राष्ट्रीय शुक्ल जी को सारी चीज अवगत कराया, उन्होंने तुरंत एयर एम्बुलेंस से इंतजाम किया है। वेदांता से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हम जैसे ही थोड़ी सी हालत ठीक होगी हम लोग तुरंत यहाँ से शिफ्ट करने जा रहे हैं दिल्ली वेदांता। जी, दिल्ली वेदांता की तैयारी है। अभी रामराजा सरकार हॉस्पिटल में है। हाँ हाँ इस समय यहाँ बच्चे जी, हैं अभी हालत कैसी बनी हुई है? अभी हालत स्थिर है, जी डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि हालत स्थिर है, पर जी तो अभी दिल्ली से वेदांता बनी के हुई है। लिए किस साधन से लेके जाएंगे आप? जी, एयर एम्बुलेंस आ रही है वहां से, जी माननीय अखिलेश जी ने वहां से इंतजाम किया है वेदांता बात करके, और वहां से तुरंत एम्बुलेंस का इंतजाम है, 1:30 बजे करीब आने की संभावना है। जी दतिया से हम लोग ले जाकर यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं।